Hello, good morning everyone. This video is for class 6 and today we are going to read chapter 3, that is PowerPoint animation and transaction. PowerPoint chapter है जिसमें animation और transaction के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ये class 6 के लिए है, ठीक है. इसमें हम लोग PowerPoint animation और transaction पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा कि PowerPoint क्या होता है, PowerPoint को हम लोग open कैसे करते हैं. तो पावर पॉइंट जो है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर विच इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. जो पावर पॉइंट है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ठीक है. दिस सॉफ्टवेयर अलाउज द यूजर्स टू मेक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स. इसमें क्या है कि यूज़र को ये सॉफ्टवेयर फैसिलिटी देता है जिसमें अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन हम लोग बना सकते हैं स्लाइड्स का यूज़ करके. जैसे कि इसमें हम लोग बहुत सारे इमेजेस लगा सकते हैं, डिज़ाइन लगा सकते हैं, एनिमेशन लगा सकते हैं और भी बहुत सारा साउंड क्लिप, वीडियो क्लिप, ये सारा चीज़ यूज़ करके हम लोग अपने प्रेजेंटेशन को क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं. और तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हम लोग पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट करेंगे. तो पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस जो है वो है, हम लोगों को क्लिक करना होगा सबसे पहले स्टार्ट बटन पे, जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में होता है स्टार्ट बटन, ठीक है. स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, फिर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, इसके बाद उसमें आपको बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल और उसी में आपको MS पावर पॉइंट भी मिलेगा. तो MS पावर पॉइंट पर हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है. तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें बहुत सारे टैब्स, बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ दिया रहेगा जिसके यूज़ से हम लोग अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाएंगे. तो अब आगे हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहाँ से हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे एनिमेशन और ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं जो कि आपके चैप्टर में है. तो आपके बुक से ही रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उसको हम प्रैक्टिकली बताएंगे, ठीक है. तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए. तो आज का जो पहला टॉपिक है एनिमेशन, एनिमेशन के बारे में हम लोग देखते हैं क्या है. एनिमेशन जो है, एनिमेशन इज़ वन ऑफ द चीफ इंग्रेडिएंट ऑफ, जो एनिमेशन है वो सबसे ज़रूरी और ज़रूरत वाला इंग्रेडिएंट्स है इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है. इसमें एनिमेशन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रेजेंटेशन को. एंड एनिमेशन मेक्स द प्रेजेंटेशन इफेक्टिव, अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल लुकिंग. इसमें एनिमेशन का काम होता है हमारा जो भी प्रेजेंटेशन है उसको इफेक्टिव, अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल लुक बनाने के लिए. इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें एसिमल्टेनियस ऑफ मूवमेंट क्रिएटेड बाय डिस्प्लेइंग ए सीरीज ऑफ पिक्चर्स और फ्रेम्स इज कॉल्ड एनिमेशन. यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो भी एक सीरीज, एक मूवमेंट जो मूव हो रहा है वन बाय वन का सीरीज बनेगा और सबके सामने हम लोग देखेंगे, दिखाएंगे इस चीज़ को, ठीक है. इस फ्रेम को, इस पिक्चर को एनिमेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है. मेन मूवमेंट को बोलेंगे जो भी एनिमेशन होता है. एनिमेशन एक मूवमेंट है, जैसे कि आप लोग कभी देखते होंगे वीडियो, बहुत सारे एडिटिंग वीडियो होता है जिसमें अजीब अजीब टाइप से स्लाइड्स होते हैं, कभी रोटेट होता है, कभी लेफ्ट साइड से, कभी तो राइट साइड से. इस तरह से जो भी एनिमेशन हम लोग लगाते हैं और वो मूव करता है, डिस्प्ले होता है वन बाय वन सीरीज़ में, तो उसको हम लोग एनिमेशन बोलेंगे. एंड एनिमेशन कॉन्टेंट्स विजुअल इफेक्ट्स एंड साउंड इफेक्ट्स. ये जो एनिमेशन है वो विजुअल इफेक्ट, जैसे कि हम बोले कि कभी किसी, जैसे टेक्स्ट पे या पिक्चर पे अगर हम लोग एनिमेशन लगाते हैं तो या तो वो लेफ़्ट से मूव करेगा या राइट से मूव करेगा, ठीक है, या टॉप या बॉटम से मूव करेगा. इसमें हम लोग इफेक्ट्स डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स. इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, बॉक्स टाइप के इफेक्ट्स हैं, ठीक है. इसके साथ साथ साउंड इफेक्ट्स भी हैं. अब नेक्स्ट है, एनिमेशन कैन बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट, इमेजेस, शेप, टेबल्स, स्मार्ट आर्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स. जितने भी एनिमेशंस हैं, जितने भी हमारे प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, शेप या टेबल्स होता है, ठीक है, या स्मार्ट आर्ट होता है, उन सभी पे हम लोग ये एनिमेशन लगा सकते हैं. नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशन इफेक्ट. कौन कौन सा इफेक्ट है, जैसे कि हम लोग पढ़े ना यहाँ पे कि
डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल इफेक्ट्स और साउंड इफेक्ट्स लगा सकते हैं। उसी उसी में आगे हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा है इफेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का और इसका क्या क्या काम है। तो पहला जो इफेक्ट्स है इंट्रेंस एनिमेशन इफेक्ट, तो इसमें क्या होता है, इट डिटरमाइंस द मैनर इन विच द ऑब्जेक्ट्स इंटर्स इनटू द स्लाइड। इसमें क्या है, ये अगर जहाँ भी हम लोग एनिमेशन लगाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट्स जिस ऑब्जेक्ट्स पर लगाएंगे एनिमेशन तो उसका मैनर बिहेवियर डिफाइन करेगा कि वो कैसे स्लाइड में इंटर हो, मतलब दिखे वो। इसके बाद है इम्फेसिस एनिमेशन इफेक्ट, इट डज समथिंग टू ड्रॉ अटेंशन टू एन ऑब्जेक्ट। ये एनिमेशन जहाँ हम लोग लगाते हैं कोई अटेंशन दिखाना है ऑब्जेक्ट पे तो लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल द ऑब्जेक्ट कैन बिकम लार्ज, जैसे कि हम लोग देखते होंगे किसी टेक्स्ट पे इफेक्ट डाल देंगे जूम इन और जूम आउट करने के लिए, तो क्या होगा वो दिखेगा, फिर हमारे सामने जैसे लगेगा जूम हो रहा है। बहुत सारे मूवीज़ में भी हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स रहता है, उसी तरह से भी है। एग्जिस्ट एनिमेशन इफेक्ट्स, इट डिटरमाइंस द मैनर इन विच द ऑब्जेक्ट्स लिव्स ए स्लाइड। अब यहाँ पे दिखाएंगे कि कौन सा मैनर है जिससे कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड को छोड़ रहा है, मतलब वहाँ से वो हट रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मोशन पाथ एनिमेशन। मोशन पाथ जो है वो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्लाइड के ऊपर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट है वो क्या करेगा, उस टेक्स्ट ऑब्जेक्ट को मूव कराएगा। इट डिटरमाइंस हाउ एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड ए स्लाइड, तो ये मूव करेगा एक लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट या अप से डाउन या डाउन से अप, इससे हम लोग मूव करा सकते हैं। सभी अलग अलग टाइप के एनिमेशन इफेक्ट्स हैं जिसको अलग अलग पर्पज से हम लोग यूज़ करते हैं, सबका अलग अलग पर्पज है अपना। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई एन एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट, कैसे हम लोग एनिमेशन अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। तो ये चीज़ आप लोगों के बुक में भी दिया हुआ है, बुक को फॉलो कीजिएगा आप लोग, और जो भी हम बता रहे हैं समझा रहे हैं ये सारा चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये सब चीज़ देखते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है कैसे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे किसी पिक्चर पे या टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाएंगे। तो जहाँ भी लगाना होगा पहले स्टेप में ही है, सेलेक्ट करेंगे हम लोग उस ऑब्जेक्ट को, उस पिक्चर को या उस टेक्स्ट को, उस वर्ड को, जहाँ भी आपको लगाना है उसको हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेप में दिया हुआ है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वॉन्ट टू एनिमेट, जिसको भी एनिमेट करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में है ऑन एनिमेशन टैब क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द एनिमेशन ग्रुप, और एनिमेशन टाइप पे फिर जाएंगे हम लोग, सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन टाइप पे जाएंगे और वहाँ पे ड्रॉप एंड डाउन एरो में हम लोग एनिमेशन ग्रुप पे मोर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक या तो दूसरा मेथड है या करेंगे क्लिक हम लोग कहाँ, ऑन एड एनिमेशन बटन इन एडवांस एनिमेशन ग्रुप, या तो एडवांस एनिमेशन ग्रुप में हम लोग क्या करेंगे ऐड एनिमेशन पे क्लिक करेंगे। आपके बुक में भी ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग बुक से भी देखते रहिए इस चीज़ को, तो समझ में आएगा ज़्यादा अच्छा से। इसके बाद है नेक्स्ट आपका थर्ड स्टेप, ए ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा खुल के जिसमें बहुत सारे क्या रहेंगे, बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट्स रहेंगे, उसको क्या करना है आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट द डिजायर इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट आपके सामने दिखेगा उसमें से कोई भी एनिमेशन इफेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे द इफेक्ट इज, जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा वो इफेक्ट आपके ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो जाएगा। बुक में आप लोग देखिएगा फिगर में दिखा रहा है ये सारा चीज़, आपके पास टैब है फाइल होम टैब इंसर्ट टैब डिजाइन ट्रांजेक्शन के बाद एनिमेशन है, तो एनिमेशन टैब में जाइएगा, जैसे ही जाइएगा आपके पास ये सारा इफेक्ट देखने लगेगा, नॉन अपीयर ट्रेड फ्लाई इन ये सारा चीज़ दिख रहा है। इसी में रेड कलर में दिखा रहा है मोर का ड्रॉप डाउन, नीचे में एक एरो दिख रहा है और रेड से इसको क्या किया गया है घेरा गया है, तो ये मोर का ऑप्शन है। या यहाँ पे आपके बुक में एडवांस एनिमेशन ऐड एनिमेशन का भी दे रहा है। ठीक है, तो ऐड एनिमेशन में भी हम लोग एडवांस एनिमेशन ग्रुप में ऐड एनिमेशन का भी ऑप्शन दिया हुआ, वहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट अब देखेंगे टू ऐड मल्टीपल एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट पे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, क्या है ऑब्जेक्ट, एक एरो बना हुआ है कर्व, कर्व
कर्व एरो बना हुआ है। इस ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा एनिमेशन ऐड करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपके बुक में दिया हुआ है ये। और एक चीज़ और यहाँ पे देखेंगे, जहाँ भी हम लोग एनिमेशन ऐड करते जाएंगे उसके सामने आपको एक नंबर दिखेगा 1 2 3, तो हम लोग को इस नंबर से पता भी चलेगा कि इसी ऑब्जेक्ट पे कितना एनिमेशन ऐड किया गया है। एक से ज़्यादा रहेगा तो 1 2 3 दिखेगा ऐसे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नया टॉपिक जो है आपका, टू ऐड मल्टीपल एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट। मल्टीपल एनिमेशन ऐड करना है किसी ऑब्जेक्ट पे तो क्या करेंगे हम लोग, द स्टेप टू ऐड मोर एनिमेशन टू एन ऑब्जेक्ट आर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। पहले हम लोग उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद ऑन एनिमेशन टैब इन एडवांस एनिमेशन ग्रुप, एडवांस एनिमेशन ग्रुप में हम लोग फिर से क्लिक करेंगे ऐड एनिमेशन पे, जैसे कि पिछले वाला था वैसे ही सेम ये भी है, उस रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। बटन एंड सेलेक्ट द डिज़ायर एनिमेशन इफेक्ट, और वहाँ से हम लोग जो जो आपको एनिमेशन ऐड करना है वन बाय वन हम लोग एनिमेशन को क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे इफेक्ट को। नेक्स्ट है आपका टू रीऑर्डर द एनिमेशन। द स्टेप टू रीऑर्डर द एनिमेशन सेलेक्ट द नंबर ऑफ इफेक्ट्स दैट यू वांट टू चेंज। यहाँ पे नंबर ऑफ इफेक्ट्स को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसको चेंज करना है। ऑन एनिमेशन टैब, एनिमेशन टैब आपको दिखेगा ऊपर में, ठीक है। इन टाइमर ग्रुप क्लिक ऑन मूव एयरलियर और मूव लेटर कमांड्स टू चेंज द ऑर्डर। यहाँ पे बुक में आपको दिया हुआ है ड्यूरेशन टाइम का, या तो मूव एयरलियर पे क्लिक करेंगे या मूव लेटर पे क्लिक करेंगे, अगर आपको पहले या उसके बाद में दिखाना है तो। जो भी आपको ऑर्डर चाहिए, या तो पहले चाहिए या बाद में चाहिए, मतलब कि जो इफेक्ट है एनिमेशन दिखने के बाद ट्रांजेक्शन के साथ साथ, या तो एक एक अर्लियर होता है कि पहले ही दिखा दे इफेक्ट, और एक होता है मूव लेटर मतलब कि पहले उसके बाद ट्रांजेक्शन के बाद, ठीक है। तो इसके लिए ये दिया हुआ है। इसके बाद है रिमूव एनिमेशन। एनिमेशन को रिमूव करना हो तो अगर मान लीजिए कि आपने एनिमेशन लगा दिया और वो आपको फिर नहीं चाहिए, रिमूव करना है तो क्या करेंगे हम लोग, टू रिमूव एन एनिमेशन। स्टेप टू रिमूव एन एनिमेशन आर सेलेक्ट द स्मॉल नंबर लोकेटेड नेक्स्ट टू द एनिमेशन ऑब्जेक्ट। एनिमेशन जहाँ भी हम लोग लगाएंगे वहाँ पे एक नंबर दिखाता है आपको, जैसे कि बताएं हम, ठीक है। बुक में भी देख सकते हैं जो भी एनिमेशन लगा हुआ है यहाँ पे पेज नंबर 28 में 1 और 2 पे, ठीक है, एनिमेशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस एनिमेशन के सामने नंबर भी दिखा रहा है 1 और 2, ठीक है। तो उस नंबर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही सेलेक्ट कीजिएगा तो राइट हैंड साइड पे आपका वो दिखाने लगेगा एनिमेशन ग्रुप में, ठीक है। प्रेस द डिलीट की, द एनिमेशन विल बी डिलीटेड, और यहाँ पे हम लोग डिलीट की पे प्रेस करेंगे, आपका जो भी एनिमेशन लगा हुआ है वो डिलीट हो जाएगा। तो आज के लिए अभी इतना ही, ठीक है। आगे जो है टॉपिक उसको हम पढ़ाएंगे, प्रीव्यू एनिमेशन, ठीक है, प्रीव्यू कैसे करेंगे। इसके बाद है मोशन पाथ, मोशन पाथ कैसे लगाएंगे। इस चीज़ को बुक से आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, पढ़िएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा, ऐसे समझ में आएगा नहीं, ठीक है। और जिस जिनके पास भी कंप्यूटर या लैपटॉप है इसको प्रैक्टिकली करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। पहले तो हम लोग प्रेजेंटेशन बनाएंगे, प्रेजेंटेशन में आपका कोई कुछ टेक्स्ट होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए, ठीक है। और उन्हीं टेक्स्ट या पिक्चर पे हम लोग एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन टैब में जैसे ही जाइएगा आपको बहुत सारे यहाँ पे इफेक्ट्स दिखाएंगे, और जो इफेक्ट्स आपको चाहिए वो आप उस ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम और इससे आगे जो है वो बताएंगे। थैंक यू।